Please draw this diagram or a page layout in your copy first. Okay? In your copy first. I will remove all these things and make it again. मैं सबको रिमूव करके फिर से एक बार बनाऊंगा इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रीवियस लेक्चर गिव मी टू मिनट्स साइड में जे फ्रेम की प्रॉपर्टीज कर अगर क्लस्टर हट जाए तो सर उसको दोबारा कैसे लाएंगे हां दोबारा आ सकती है ठीक है व्यू से सर ये मेरी चली गई सर वो आ गई कोई बात नहीं देखो यहां पर देखो टूल बार्स हैं ठीक है और यहां पर शो है एडिटर टूल बार्स हैं इन पे क्लिक करने से वो हटती हैं और आ जाती हैं ठीक है ओके एक बार इस पर क्लिक करना और दूसरी बात यहां पर एक पैलेट का ऑप्शन भी आता है पैलेट का मैं दिखाऊंगा अभी एक बार व्यू से करके देखना ठीक है एक्चुअली वर्जन पे डिपेंड करता है ठीक है और एक बार यहां पर रीसेट टूल बार्स पे क्लिक कर देना तो जो भी टूल बार तुम्हारे हट गए हैं वो फिर आ जाएंगे बट ये साइड में पैलेट आना बहुत जरूरी है यहां पर कभी कभी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन होता है उस पर क्लिक करके भी तो तुम इसको ला सकते हो ओके ठीक है इस डायग्राम को अभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं दो मिनट में सब ज्वाइन कर लेंगे ठीक है
Okay. So now finally, I want to start the class. ध्यान से देखिएगा। No problem. अभी हम देख लेंगे उसको, डोंट वरी। अभी ऐसा मान के चलो कि ये ऑप्शन आ रहे हैं, अब हम इसे डिलीट कर रहे हैं। आई हैव डिलीटेड दिस मच और ये पूरा एक साथ डिलीट कर दिया, ठीक है, और इसे भी डिलीट कर दिया। अंडरस्टैंड? अगर हमें प्रोसीजर मालूम है तो हम 10 बार डिलीट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें डिलीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं रीफैक्टर, डिलीट हो गया। नाउ वी डोंट हैव एनी फ्रेम, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल्स, वी आर इन वेरी स्क्रैच कंडीशन, जीरो कंडीशन पे। अब देखो जो कल हमने प्रोजेक्ट बनाया था उस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू जे फ्रेम। सबसे पहले हम लोग फ्रेम लेते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ सरफेस जिस पर हम अपने कंपोनेंट प्लेस करते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, कंफ्यूजन और डाउट क्वेश्चन ना पूछने की वजह से होता है, ठीक है। हमने यहां पर अपने फ्रेम का नाम रखा सिंपल इंटरेस्ट फ्रेम। कल कुछ और रखा था, आज कुछ और रख लिया, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? ये हमारा फ्रेम बन करके आ गया। इसे हम ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जितना चाहें उतना, ठीक है। ये आपका डायमेंशन आता रहता है साइड में, इतना कर लिया, इतने फ्रेम पर हम अपना सारा काम कर सकते। अब सबसे पहले हमको एक हेडिंग बनानी, हेडिंग। अब इस फ्रेम एक तरह का लैंड होता है, मैंने कल बताया था। अब इस पे हम पार्टीशंस करके अलग अलग चीजें बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक पैनल लिया, दिस इज अ पैनल फ्रॉम राइट हैंड साइड पैनल, और पैनल को लेकर के यहां पर इसको ड्रॉप कर दिया। आप चाहे तो बिल्कुल एजेस क्लोज करके ड्रॉप करिए, थोड़ा नीचे ले आइए, ये आपकी डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है। और इसको थोड़ा कम करके हमने ड्रैग कर लिया। अंडरस्टैंड? बिल्कुल कॉर्नर से मर्ज नहीं है। इसको क्लिक करा, ये हमारा पैनल है। एंड आई वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ द पैनल, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। तो यहां पर नीचे देखो, ये वाला पोर्शन, सी द माउस पॉइंटर बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड आज हम थोड़ा सा डार्क लेते हैं। ओके, फाइन, इट इज लुकिंग ग्रेट। अब इस हेडिंग के अंदर करना है, मतलब इस पैनल के अंदर क्या करना है? इस पैनल के अंदर अगर आपको पूरा लेआउट देखना है तो फ्रेम के बाहर क्लिक कर दीजिए, ये फ्रेम है आपका, तो सारी लाइंस चली जाती है। फिर आप अंदर आएंगे तो जिस कंट्रोल पे आप क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाए। अब हमने एक लेबल ले लिया, आई वॉन्ट टू टेक अ लेबल। देखो लेबल सब ढूंढना पड़ता है, कॉपी पे लिख लो, कॉपी पे लिख लो, ठीक है। लेबल्स, बटन, टेक्स्ट फील्ड, ये स्विंग के कंट्रोल्स हैं। पैनल जो है वो स्विंग का कंटेनर है। कंटेनर का मतलब होता है जो अपने में दूसरे कंट्रोल्स को एक्सेप्ट कर सकता, मतलब ले सकता। वी कैन प्लेस सम कंट्रोल्स इनसाइड कंटेनर, ठीक। मैं बता रहा हूं, लेबल, अभी तुम लोगों को कम से कम 25 फ्रेम्स डिजाइन करना है, तब जाकर के प्रोजेक्ट बनता है। हम लोग पहले क्लास से प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कह रहे हैं ना, तो प्रोजेक्ट कोई प्रोग्राम नहीं होता जो एक दिन में कंप्लीट हो जाए। उसमें बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं जो एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, तो इट्स अ बिग टास्क, ठीक है।
अब देखो यहां पर हमने राइट क्लिक करा और इसको एडिट कर, हमने कहा सिंपल INTEREST इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ओके, अब देखो ये कलर ब्लैक आ रहा है और ब्लैक कलर इज नॉट लुकिंग गुड, तो कोई बात नहीं, इसको तुमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड नीचे लेबल की प्रॉपर्टीज में आ जाओ। और प्रॉपर्टीज में आने के बाद पहले तो इसका फॉन्ट देखो, सब कुछ लिखा है, ढूंढने की बात है, एक दिन के अंदर तुम सब कुछ ढूंढ सकते हो। एरियल ब्लैक 24, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा सेंटर कर लो, ठीक है। और इसका कलर तो अगर लग रहा है 24 बहुत ज्यादा है तो 18 कर लो, या फिर तुम अपना कोई खुद का पिक्सल भी दे सकते हो, लाइक 22 दे दो, नो प्रॉब्लम। 22 देने के बाद एंटर कर दो, ये 22 हो गया, ठीक है। अब देखो अभी भी नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका कलर जो है वो थोड़ा लाइट होना चाहिए, तो इसके लिए सब डिजाइनिंग है, ये जितनी अच्छी डिजाइनिंग तुम कर सकते हो। अब यहां पर इसको व्हाइट कर लो, नाउ इट इज लुकिंग ग्रेट, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि ये फॉन्ट इस पर सूट नहीं कर रहा है तो इसको सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट में जाओ और यहां पर टाइम्स न्यू रोमन ले लो, ठीक है। और अगर तुम थोड़ा सा आर्टिस्टिक चाहते हो, ठीक है, तो ब्रश स्क्रिप्ट ले लो, ठीक है, बहुत अच्छा फॉन्ट है, देखने में अच्छा लगता है, ब्रश स्क्रिप्ट। और ब्रश स्क्रिप्ट एक्चुअली 24 पे सही काम करता है, एब्सोल्युटली फाइन, अंडरस्टैंड, ये आ गया, ठीक है। और थोड़ा सा इसका फॉन्ट और इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसको 26 कर लो, थोड़ा बोल्ड कर लो, ठीक है, नो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जैसा तुम चाहो वैसा हो सकता है। अब देखो ये वाला पोर्शन, इसमें हम कुछ कंट्रोल्स और प्लेस करेंगे, तो पहले हम तीन लेवल्स लेते हैं, एक लेवल ड्रॉप कर दो बस, कहां टफ है, खाली ड्रॉप करना है, ठीक है, ड्रॉप कर लिया। अब इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लो, क्योंकि एक एक करके अगर इनका फॉन्ट इंक्रीज करोगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। अब इन तीनों को हमने एक साथ सेलेक्ट कर लिया, कैसे करते हैं एक साथ सेलेक्ट, फिर से देखो, ठीक है, एक बार एक रेक्टेंगल एरिया बनाओ यहां पर, ऐसे पूरे को कवर कर लो, ठीक है। अब इसका फॉन्ट इंक्रीज करना है तो फॉन्ट एक्चुअली हम रखना चाहते हैं, चलो एरियल और 14, नो प्रॉब्लम, या 18, एब्सोल्युटली फाइन, देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इस पर राइट क्लिक करो और एडिट टेक्स्ट, इस पर क्या लिखना चाहते हो, इंटर प्रिंसिपल, इस पर क्या लिखना चाहते हो, इंटर टाइम, नो प्रॉब्लम, इस पर राइट क्लिक करके क्या लिखना चाहते हो, इंटर रेट, ठीक। अब ये तो एक तरह के लेबल्स हो गए, मतलब जो यूजर को बता रहे हैं कि तुमको ये चीजें इंटर करनी है, जस्ट लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब ये चीजें जो वो इंटर करेगा वो किसमें करेगा, उसके लिए हमको तीन टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, इसको थोड़ा सा और कम कर लो, ये ठीक है। अब यहां पर कितने टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, तीन, तो एक एक करके तीनों ड्रॉप कर लो, टेक्स्ट फील्ड एक आ गई, टेक्स्ट फील्ड दूसरी आ गई, और टेक्स्ट फील्ड तीसरी आ गई। अब तुम्हें इसको कहां रखना है, इसके ठीक सामने, ओके, इसको इसके ठीक सामने, इसको इसके ठीक सामने, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो ताकि यूजर को अपने डेटा को फीड करने में कोई प्रॉब्लम, ठीक है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की बहुत सख्त जरूरत है, ओके फाइन, ठीक है, खुद आ जाएगा तुमको, ठीक है। अब उसके बाद इसको इसको इसको, ठीक है। अब यहां पर इन तीनों को एम्प्टी करना है तो एम्प्टी हो जाएगा। एडिट टेक्स्ट, हम चाहते हैं पहले से कुछ ना लिख कर आए, यूजर अपने हिसाब से देगा तो वो डिस्टर्ब ना, ठीक है, ये हो गया। और इस पे राइट क्लिक, ये हमारी जावा से भी इजी है, बस सोचने की बात है, ठीक है, ये हो गया, एब्सोल्युटली फाइन, तीन टेक्स्ट बॉक्सेस बन गए। अब इन पर जो टेक्स्ट आएगा वो बहुत छोटा आएगा, तो एक काम करते हैं, इसको इसको और इसको, तीनों को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद तहोमा लगा होता है तो तहोमा की जगह पर एरियल एंड 18, गुड, ये हो गया, अंडरस्टैंड, परफेक्ट। अब इतना फॉर्म हम पहले रन करके देख लेते हैं कि हाउ दिस फॉर्म इज अपीयरिंग,
तो रन देखो, जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में सिंपल इंटरेस्ट फ्रेम डॉट जावा था, इस पर राइट क्लिक करो और रन फ्रेम। अब मैंने तुमको कल बताया था कि ये टॉप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आता है, इसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। हम चाहते हैं ये सेंटर में आए और फॉर्म थोड़ा सा बड़ा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, सब सही हो सकता है। वापस आओ और इसको थोड़ा, क्योंकि काफी बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा अपने हिसाब से छोटा कर सकते, ठीक है, मतलब जितना मैटर है उस हिसाब से फ्रेम लिखो, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद फ्रेम को सिलेक्ट करो, कौन सी चीज सिलेक्टेड है वो यहां पर लिख के आती है, पॉइंटर देखो। अगर तुम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करोगे तो यहां पर टेक्स्ट फील्ड लिख कर आएगा, अगर तुम लेबल को सिलेक्ट करोगे तो यहां पर लेबल लिख कर आएगा, अगर तुम पैनल को सिलेक्ट करोगे तो यहां पर पैनल लिख कर आएगा, और अगर तुम फ्रेम को सिलेक्ट करोगे तो यहां पर फ्रेम लिख कर आएगा। तो इस टाइम हमें फ्रेम को सिलेक्ट करना, फ्रेम आ गया, देख लेना कि कौन सी चीज सिलेक्टेड है, अदरवाइज वही उसी पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो, ठीक है। कोड में जाओ और जनरेट सेंटर पे क्लिक, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। Maybe somebody's calling है, या जब कोई कॉल करता है तो थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो जाता है। Now please check. That's fine? Yes sir, not fine. Okay, good. ठीक है, तो बीच में तुम मुझे बताते रहना कि ठीक है क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। ओके फाइन, तो अभी हमने सेंटर पे क्लिक कर दिया। अब अगर इस फॉर्म को रन करेंगे देन इट विल बी प्रेजेंट इन द सेंटर। एक्चुअली जब आपका प्रोजेक्ट फाइनली रन होगा ना जार फाइल, तो ये ऐसा नहीं आएगा, वो ऐसा आएगा, बिल्कुल इस तरह से, देख रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में आपका स्विंग नहीं होगा, सिर्फ फ्रेम रन होंगे, सारे फ्रेम्स रन होंगे जब आपका पूरा फुल फ्लेज प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और इसको हमने क्लोज कर दिया एंड क्लोज, अभी क्या है कि अभी कुछ एक्टिविटी नहीं होगी, बस टाइप होंगे। देख रहे हो थोड़ा सा डार्क आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने इस पे एरियल ब्लैक ले रखा, ठीक है, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू क्लोज, इमीडिएटली फॉर्म क्लोज हो गया, ठीक है। और फॉर्म क्लोज होने के बाद आप वापस आ गए, ठीक है। जब आप वापस आते हैं तो ऐसी विंडो आती है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी आउटपुट विंडो आ रही है, क्योंकि जब आप रन करते हैं तो आउटपुट विंडो आती है, फिर आप अपने फ्रेम पर ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप अपने फ्रेम में चले गए, लाइक दैट, ठीक है। अब यहां पर हमने एक बटन बना दिया, और यहां पर हमने लिखा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन ये आ गया लिखकर, यानी कि कैलकुलेशन का मतलब है कि जब इस बटन पे क्लिक करेंगे देन सम कैलकुलेशन विल बी परफॉर्म। तो ये बटन है, कहां से लिया बटन सर, ये देखिए यहां से लिया, राइट हैंड साइड से, इस पे राइट क्लिक करके हमने चेंज कर दिया। इफ यू वांट टू चेंज द कलर यू कैन चेंज द कलर, ठीक है, आप इसको चूज करिए, प्रॉपर्टी में आइए, ठीक है, फोरग्राउंड कलर, विच कलर यू वॉन्ट सर, इस बार हम थोड़ा सा ग्रीन कलर लेना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, द ग्रीन कलर इज देयर, लाइट ग्रीन कलर इज देयर, ओके, थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हो, ठीक है, ये इसलिए बता रहे हैं कि तुम सब कुछ यहां पर कर सकते हो, एब्सोल्युटली फाइन, कैलकुलेशन, अंडरस्टैंड, ठीक है, कैलकुलेशन। अच्छा, अब तुम थीम वाइज कलर भी रखना चाहते हो, क्योंकि जब भी तुम प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो थीम वाइज होता है। ये थीम वाइज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थीम वाइज का कलर का मतलब होता है अगर तुमने स्टार्टिंग में चूज कर लिया कि योर थीम कलर इज ब्लू, देन एवरी पैनल, एवरी प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी फ्रेम्स होंगे उनकी हेडिंग्स ब्लू से, एक ब्लू, एक ग्रीन, एक येलो, एक पर्पल नहीं, दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि जितने भी आजकल फ्रेम्स चल रहे हैं, जितने भी आजकल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दे आर थीम बेस्ड, तो थीम बेस्ड ही आपको बनाना है, रंग बिरंगी नहीं बनाने हैं, ठीक है, ओके। अब सुनिए, अब थीम बेस्ड अगर करना है तो इस बटन का जो कलर है दैट शुड बी ब्लू,
अंडरस्टैंड। अब ये हो गई हमारी थीम, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब ये तो हो गया, बट वट एक्शन शुड बी परफॉर्म व्हेन आई विल क्लिक ऑन द कैलकुलेट बटन, वो हमें करना। उसके लिए हमने कल आपको बताया था कि इनसे हमें वैल्यू को उठाना पड़ता है, पिक करना पड़ता। तो ये जो हमारी टेक्स्ट फील्ड्स हैं, इनसे अगर हमें वैल्यू को गेट करना है तो इन टेक्स्ट फील्ड्स के कोई नाम होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू असाइन सम नेम टू दीस टेक्स्ट फील्ड, ओके। हाँ, मैंने कल बताया था आपको एक टेक्स्ट फील्ड, हाँ टी टू, वही वही करेंगे, लेकिन एक रिजल्ट के लिए भी बना देते हैं। अब देखो तुम चाहते हो कि उसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करें, कोई बात नहीं, इसको पूरा सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद हल्का सा ऊपर और सेंटर कर लो, जहां तुम चाहो, जैसे चाहो वैसे हो सकता है। इट इज कॉल्ड फ्री डिजाइन लेआउट। अब इसको चूज करो और इसको चूज करो, दोनों को कंट्रोल सी कर लो और कंट्रोल वी करके एक सेट तुमको और मिल जाएगा, और उस सेट को धीरे से नीचे प्रेस कर दो और इस पर राइट क्लिक कर दो, और राइट क्लिक करने के बाद कर दो इंटरेस्ट। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर, एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। अब एक आपका एक्स्ट्रा बन गया, किसके लिए? सर रिजल्ट के, ओके, बिल्कुल सही, ओके, अंडरस्टैंड। अब यहां पर क्या होना चाहिए, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, आज हम लोग डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, कल तक का तो काम हमने कर लिया, ओके। जब भी कुछ आप चेंजेस करते हैं तो थोड़ा बहुत आपके ये जो फ्रेम, मतलब ये है ना, इसको आप वापस पीछे ले आइए, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। जब आप कुछ लिखते हैं ना तो थोड़ा सा लेआउट डिस्टर्ब हो जाता है, बट ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब ये हो गया, एब्सोल्युटली फाइन, अब सब कुछ तो ठीक है, बिल्कुल सही है सर, फ्रेम भी बिल्कुल हमारा परफेक्ट है। अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो पहले इनका नाम रख लेते हैं। तो नाम रखने के लिए हम लोग चेंज वेरिएबल नेम पे आए, तो यहां पर रखेंगे हम T1, इस पर राइट क्लिक करेंगे T2, दीज आर माय वेरिएबल्स नेम, हैं बॉक्सेस का नेम रखा जाता है, बॉक्सेस का, इन्हीं बॉक्सेस से तो वैल्यू उठानी है, इन्हीं बॉक्सेस तो वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। T3, देखो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, जो नहीं पूछ रहे जस्ट लिसन लाइक अ स्टोरी, एक राजा था वो रहता था, फिर उसने फाइट की, वो नहीं है, ठीक है। तो यहां यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, ओके, तो वैसे तुमको बिहेव करना है। कहां मैं तुमको क्या रिप्लाई नहीं देता हूं क्या? अब यहां पर रखा हमने टी रिजल्ट, ओके। अब देखो एक बार तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो, राइट क्लिक, ठीक है, जल्दी जल्दी, T1, ओके, परफेक्ट, एंड T2, परफेक्ट, एंड राइट क्लिक, T3, परफेक्ट, एंड राइट क्लिक, एंड चेंज वेरिएबल नेम, एंड टी रिजल्ट, ओके, फाइन, डन। अब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे क्योंकि ये हमारा बटन है। इसके क्लिक होने पर क्या हो, इसके क्लिक होने पर इन सब की वैल्यू गेट होकर, इन सब की वैल्यूज गेट हो, और गेट होने के बाद इनका रिजल्ट कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। तो अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद हम अपने बटन का नाम भी रख सकते हैं, राइट क्लिक और चेंज वेरिएबल, हमने कहा कैलकुलेट बटन, ये हमारे इस बटन का नाम, अंडरस्टैंड। तो अब हम इस पर डबल क्लिक करने जा रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारा एक फंक्शन ओपन हो गया, दिस इज अ नॉर्मल UDF फंक्शन। अब जो काम हम यहां पे करेंगे वो काम हमारे इस बटन के क्लिक होने पर होगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब देखो क्या हम सही फंक्शन में हैं? तो देखो लिख कर आ रहा है कैलकुलेट बटन, यानी कि जिस बटन का आपने नाम रखा था कैलकुलेट बटन, उसी बटन के अंडर में है आप। टेल मी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? अगर तुम इतना समझ गए तो समझ लो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई आदमी इस दुनिया में नहीं, दुनिया में तुमसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं। अरे यार ये बातें जल्दी समझ में आ जाए। सर,
जिन्होंने जावा बनाई वो भी नहीं? नहीं, वो तो बहुत बड़े लोग हैं यार, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, जेम्स गॉसलिंग, पीटर नॉटन, माइक शेरिडन, वो सब मतलब हमारे साथ के ही लोग हैं। ठीक है, होती रहती बात इन लोगों से। रुको रुको रुको, कमजोरी है सर यार, वो हम रिकॉर्डिंग का पैनल नहीं मिल रहा है यार, मिल गया बस। ठीक है, हाँ नॉट फाइन। अब देखो यहां पर हम आ गए इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है सर, सबसे पहले तो कंटेनर से वैल्यूज लीजिए। तो INT, PR, NT एंड SI, तीन वेरिएबल्स हमने ले लिए। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहे, पी इज इक्वल T1, T1 हमारा पहला कंटेनर है, T1 हमारा पहला कंटेनर है, बता रहे डिजाइन में जाओ और ये हमारा T1 है। लेट मी टेक अ पॉइंटर, ये हमारा T1 है, ये क्या है T2, ये क्या है T3। अब एक बात तुमको बता दे, तुमको सिर्फ एक फ्रेम समझना है, सारे फ्रेम एक ही जैसे बनते हैं, बस एक फ्रेम समझ, T1, एक ही चीज तुमको समझना। अब देखो हम सोर्स में गए, सोर्स का मतलब होता है जहां हम प्रोग्रामिंग करते हैं, डिजाइन का मतलब होता है जहां पर हमारी डिजाइनिंग रखी। अब हमने कहा T1 डॉट, मतलब T1 से गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट एक फंक्शन है जो तुम्हें T1 का टेक्स्ट दे देगा, ये दे दिया। बट सर T1 का टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, T1 में जो टेक्स्ट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हमें चाहिए, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है ना। तो वट एवर द वैल्यू इनसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये जो T1 है जिसका नाम T1 है, उसमें मान लो अगर 700 है, तो 700 इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है ना, तो ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, तो हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले हम लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट देन T1 डॉट टेक्स्ट। अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड? यानी कि T1 डॉट टेक्स्ट मतलब T1 में जो टेक्स्ट है यानी 700, उसको इंटीजर डॉट पार्सिंग के थ्रू कन्वर्ट कर दो, तब हम लेंगे। अब R इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सिंग, इतनी जावा पढ़ी थी इसीलिए तो इसी दिन के लिए, T2 डॉट गेट टेक्स्ट, T2 का टेक्स्ट ले लो, एंड T इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सिंग T3, अभी जर्नी बहुत लंबी है भैया, हम डार्क में नहीं रख रहे हैं, T3 डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब क्या करना है सर, सर अब SI का फॉर्मूला लगा दीजिए, SI इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100.0। सर SI को आपको डबल में लेना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल लेना पड़ेगा, ये सब तो हमने जावा में सीखा है, जावा में हमको कोई प्रॉब्लम, ये जावा चल रही है, यहां पर जावा है, आ गया। अब सर SI जो रिजल्ट आ गया है उसको कहां पे डिस्प्ले करना है, उसको डिस्प्ले करना है हमको, एक मिनट, उसको डिस्प्ले करना है हमको, ध्यान से देखना, ये वाले में, इसका नाम T4 नहीं है, किसी ने मुझे इंटरप्ट नहीं किया, इसका नाम T रिजल्ट है, देखो इसका नाम T रिजल्ट है, तो हमने T4 गलत लिख दिया था, इट शुड बी T रिजल्ट वाले के अंदर डिस्प्ले कर। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, सोर्स में जाओ, सोर्स में जाने के बाद देखो लिखो T result dot set text, पहले था get text, अब है set text, set text का मतलब है कि तुम कुछ उस बॉक्स में ले जाना चाहते, और get text मतलब जो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू है उसको तुम अचीव करना चाहते, set text, सर SI, अंडरलाइन क्यों आ रही, सॉरी डॉट सेट टेक्स्ट, और यहां पर हमने दे दिया SI। सर अब अंडरलाइन क्यों आ रही है, क्योंकि अंडरलाइन इसलिए आ रही है क्योंकि SI में आपकी डबल टाइप की वैल्यू है, और टेक्स्ट बॉक्स कोई भी वैल्यू रेदर देन स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो स्ट्रिंग में ही डेटा को एक्सेप्ट करता, बट योर वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ डबल। देखो
अंडरस्टैंड इनकॉम्पैटिबल टाइप। लेकिन अगर तुमने जावा नहीं सीखी होती तो इस सिचुएशन में आके तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा सर आई नो कि अगर किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया जाए तो वो इमीडिएटली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। समझते हो ना भैया, समझते हो ना? तो ये जो डबल टाइप था अब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। दैट इज वाई कि हमने 3 महीने जावा में स्पेंड किए। ओके, तो अब ये हमारा डेटा जो डबल में था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस कैन बी डिस्प्ले इनसाइड द टी रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स। सर अब क्या रिजल्ट आएगा? बोल आएगा यार, क्यों नहीं आएगा? राइट क्लिक, रन फाइल। अंडरस्टैंड? अब देखो यहां पर हमने दिया और छोटा छोटा डेटा टाइप कर रहे हैं 520 and 6 6। तो अब देखो कितना हो जाएगा, इसको 2 कर दो। देखो 6 2 12 60 60 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखो एब्सोल्युटली फाइन द आंसर इज कमिंग 60। करेक्ट करेक्ट। चलो अब देखो एडवांटेज क्या है, तुम इसको रिमूव करो। मतलब तुमने एक एप्लीकेशन बना करके अपने एम्प्लॉइज को दे दी। अगर उन्हें छोटी सी एप्लीकेशन बन गई है तो ये एप्लीकेशन बन गई। अब अगर उन्हें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो जस्ट हमारी एप्लीकेशन यूज कर ले वो। ठीक है, और अभी तक ऐसी कोई एप्लीकेशन बनी भी नहीं है। कुछ भी डेटा टाइप करो, कैलकुलेट, द रिजल्ट इज कमिंग। बट इसमें एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? मान लो सिंपल इंटरेस्ट उसने जाकर एडिट कर दिया और 800 कर दिया, हो सकता है ना? गुड, वेरी गुड, द वर्ड अदनान हैज यूज्ड वेरी गुड कि ये भी मॉडिफाइड हो जाए। बट हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट फील्ड मॉडिफाइड ना हो, ये सब हमारा नॉन एडिटेबल हो। वेरी गुड, तो हम इसको कर सकते हैं। डोंट वरी, ऑप्शन में दे रखा, वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसे क्लोज करें एंड लेट मी गो टू द डिजाइन फेज। और इसको चूज करा हमने, और चूज करने के बाद नीचे आओ, नीचे आने के बाद सर वो टॉप पे एडिटेबल के ऑप्शन दे रहा है। हाँ, ये देखो इस पर से टिक हटा। अब जब तुम इस पर से टिक हटा दोगे, ठीक है, तो अब ये एडिट नहीं हो सकता। ठीक है, यहां भी, यहां की जरूरत, वहां जब तुम रन करोगे तो ये एडिट नहीं। ठीक है, अब तुम इसको रन करो, और रन करने के बाद कुछ भी कर ले यूजर, अब तुमको स्टार्टिंग में ये वाली, यहां पे कर्सर नहीं आए। नाउ सी द कर्सर इज नॉट कमिंग हियर। ओके, एब्सोल्युटली फाइन, अब कुछ भी कर ले यूजर, इसको चेंज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? हाँ, अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जैसे ही तुम अपने डेटा को चेंज करोगे, मान लो तुमने अपना डेटा चेंज किया, ठीक है, बस एक बार और कैलकुलेट पे क्लिक कर दो, इमीडिएटली द रिजल्ट विल बी चेंज। ठीक है, इमीडिएटली द रिजल्ट विल बी चेंज। अंडरस्टैंड? देख रहे हो? ओके, क्लियर। अब हम वापस आते हैं, ये सब आपको बना कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, डन। अब हम वापस आते हैं। ठीक, और वापस आने के बाद में इसको चूज करा हमने, और इसको चूज करने के बाद, ठीक है, बैकग्राउंड कलर बहुत ही लाइट बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, बहुत ही लाइट, यानी कि अब हमारा रिजल्ट थोड़ा सा अलग वे में डिस्प्ले होगा। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, थोड़ा सा हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। अंडरस्टैंड? तो लग रहा है कि ये एक रिजल्ट है। ओके फाइन, अब ये सब चीजें हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? नहीं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं दे सकते क्योंकि इंटीजर डॉट पार्सेंट लगा हुआ है ना, इंटीजर डॉट पार्सेंट, तो एक्सेप्शन आ जाएगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा।
एरर दिखाएगा, नंबर फॉर्म एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्शन नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। तुम उसके लिए काम कर सकते हो, उसके लिए काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, देखो पूछा है तुमने तो बता रहे हैं, बहुत आगे की चीज है, इसके लिए हमें बहुत आउट ऑफ ट्रैक जाना पड़ेगा, ठीक है, हम लेकिन बता देते, क्लियर। देखो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, जस्ट अ मोमेंट, इसको क्लोज करो और फ्रेम पे क्लिक करके थोड़ा सा फ्रेम को बड़ा कर लो और कैलकुलेट को ऊपर ले लो और यहां पर नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लो, क्या ले लो, टेक्स्ट बॉक्स, बता रहे यहां पर टेक्स्ट बॉक्स नहीं, सॉरी, यहां पर एक लेबल ले लो और इस लेबल को ड्रैग कर लो, बड़ा कर लो थोड़ा, ठीक है, ये बड़ा कर लो। अब इस पर राइट क्लिक करके इसको चेंज कर लो, एलबीएल रिजल्ट का, इस लेबल का नाम है एलबीएल रिजल्ट, ठीक है। अब एलबीएल रिजल्ट पे जा करके एडिट टेक्स्ट इसको कर, ठीक है, रिमूव कर, मतलब इसको टेक्स्ट लिखा है उसको रिमूव कर। अब देखो अब इस पर राइट क्लिक कर, इस पर क्लिक करो और 14 और 14 पर जाने के बाद में ओके, और इसका फोरग्राउंड कर लो लाइट पिंक। अब ठीक, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से, सोर्स में जाओ और सोर्स में जाने के बाद यहां पर तुमने कोडिंग की थी ना अल्फा न्यूमेरिक के लिए, ट्राई के अंदर बहुत ध्यान से, और यहां पर पी को जीरो, आर को जीरो एंड टी को जीरो कर लो, बता रहे और यहां पर डालो कैच नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, NUMBER नंबर, FORMAT फॉर्मेट, EXCEP, अरे सॉरी नंबर फॉर्मेट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अब देखो LBL रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट और यहां पर लिख दो ऑल वैल्यूज शुड बी न्यूमेरिक फॉर SI कैलकुलेशन, अंडरस्टैंड। एक बार डिजाइन में जाओ और इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि मैसेज थोड़ा बड़ा है इतना। अब रन करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, हमने यहां पर दे दिया Q23 F56 एंड 899 कैलकुलेट, ऑल वैल्यू शुड बी न्यूमेरिक फॉर द SI कैलकुलेशन। डू यू अंडरस्टैंड और अब अगर वो जा करके, मैं बता सब सकता हूं लेकिन बस तुम उस चीज को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हो, ठीक है। लेकिन सर ये तो क्लियर हुआ नहीं, मतलब नेक्स्ट टाइम इट शुड बी क्लियर होना चाहिए ना, नो प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट टाइम इट शुड बी क्लियर। तो अब कैसे क्लियर करेंगे इसको, ध्यान देना अभी देखो क्लियर नहीं हो रहा, जबकि तुमने कैलकुलेशन कर दिया लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, अभी इसके लिए भी इलाज करते हैं। ध्यान से देखो, अब देखो
कैलकुलेट में जाओ, कैलकुलेट पे क्लिक करो, अंदर आ गए और यहां पर स्टार्टिंग में जहां पर तुम लिख रहे हो एलबीएल रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट को ब्लैंक कर, मतलब जब भी ये दोबारा बटन क्लिक होगा तो जो पहले से मैसेज आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर प्रीवियस रॉन्ग एंट्रीज का कोई मैसेज आ रहा है लेबल में तो ये उसे क्लियर कर देगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। अभी हमने दे दिया 507, अभी तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, स्मूथ कैलकुलेशन, बट इसको हम दे देते हैं T500। अब देखो मैसेज आ गया, ऑल वैल्यूज शुड बी न्यूमेरिक, ऑल वैल्यूज शुड बी न्यूमेरिक, ठीक है। अब हमने अपनी वैल्यूज को सही कर लिया और अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे देन मैसेज विल बी रिमूव्ड, देख रहे हो, देन मैसेज विल बी रिमूव्ड, क्योंकि जैसे ही दोबारा हमने इस बटन को क्लिक करा उसने लेबल के टेक्स्ट को क्लियर कर। अब अगर फिर से हम यहां पर कुछ WE देते हैं, मैसेज विल बी देयर, ऑल वैल्यूज शुड बी न्यूमेरिक फॉर द SI कैलकुलेशन, ओके ओके, वन मिनट। जितना इंप्रूवमेंट आप चाहें उतना इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस लेवल पर आप अपने प्रोजेक्ट को ले जा रहे हैं। कैलकुलेशन डन, तो आई वॉन्ट टू रन दिस कोड अगेन, मेरे हिसाब से ये एक कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप होगी। और यहां पर आप दे दें टीवी ऑल वैल्यूज शुड बी लाइक, अंडरस्टैंड डन, इंटर स्क्रीन सेंडिंग इन योर ग्रुप। कितना टाइम होता है आपके पास पूरे दिन, ठीक है, आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन 50 फ्रेम्स बन सकते हैं एक दिन के अंदर, 50 फ्रेम। लेकिन 50 फ्रेम बनाने के लिए हमें इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होना जरूरी, आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन फिर भी कह देते हैं, जब मैं स्विंग कर रहा था तो मुझे टॉपिक इतना पसंद आ गया था कि सर ने मुझे बस एक फ्रेम बनाकर दिखा दिया था, उसके बाद मैंने अपने लैपटॉप को लिया और उसके बाद जितने भी हम डिजाइन और फ्रेम और लेआउट क्रिएट कर सकते थे एक दिन के अंदर हमने सब क्रिएट किया और सबके स्क्रीनशॉट ले लिए और दूसरे दिन हमने उसको इंप्लीमेंट कराया क्लासरूम के, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट के, तब ऐसा कर, वरना नहीं क्लास खत्म हो गई हम भूल गए, ठीक है। एक दिन में बहुत टाइम होता है काम करने के लिए और खास तौर से जब आप घर पे हो। एनीवेज चलिए ये हो गया, अब देखिए नाउ आई वांट टू चेंज माय रिजल्ट लेआउट। यस सर, ये कोड भी सेंड कर दीजिए, ये वाला कोड, ये वाला एक्चुअली कोड सिर्फ इतना सेंड हो सकता है, ठीक है, इतना कर दे। ठीक, अगर हम आपको सेंड कर दिया, अंडरस्टैंड, अब देखो ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना, अब हम चाहते हैं कि रिजल्ट हमारा जो है वो डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में आए। यू नो डायलॉग बॉक्स, कभी देखा है डायलॉग बॉक्स किसी ने? यस सर। नहीं देखा? सर देखा, देखा। तो डायलॉग बॉक्स बनाने का भी हमारे पास पूरा एक फुल फ्लेश तरीका है, हम बना सकते हैं डायलॉग बॉक्स। अब देखना ध्यान से देखना, जे ऑप्शन पेन, जे ऑप्शन पेन डॉट, जे ऑप्शन, एक मिनट रुको, कभी कभी क्या है कि इंटेलिजेंस सपोर्ट थोड़ा देर में आता है। जे ऑप्शन पेन, इंटेलिजेंस सपोर्ट, जे ऑप्शन OPTION,
जस्ट आएगा। सपोर्ट नहीं आ रहा है, नो सजेशन पे जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको हार्ड कोड से करते हैं। शो मैसेज, वरना ये आ जाता आप तक। नो सजेशन, ओके। लेट मी चेक द फ्रेम इज रनिंग और नॉट। आउटपुट सेकेंड टाइम आउट, ओके ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, जस्ट आप इस टाइम कहां पर हैं? यहां पर है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप हैं तो इस जगह पर ये ऑप्शन जब तक इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं आएगा तब तक के मैं फिर भी नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से लिख देता हूं। डायलॉग दिस कॉमा, दिस कॉमा टी, बताते हैं सिंपल आई एन टी ई आर एस टी इंटरेस्ट और प्लस एस आई। लेट मी चेक, बट जी ऑप्शन पिन, वेट, ये तो इसका खुद का एट्रीब्यूट है लेकिन शो नहीं कर रहा है। एक मिनट रुको, लेट मी चेक। देखो समटाइम इट हैपेंस, एक्चुअली हम एक दूसरे फ्रेम में जा रहे हैं बस चेकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, वेट, फर्स्ट फ्रेम यहां आते हैं। ये भी हमने एक बनाया था डिजाइन। ठीक है, ऐसा डिजाइन एक्चुअली आपको बनाना है। ठीक है, इस डिजाइन को भी हम आपको शेयर करूंगा। ये सब आपको अभी हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई। एरर से हमें घबराना नहीं है, एरर तो हमारे पार्ट का एक बहुत इंटेलिजेंट स्टेप है। ठीक है, इसको बनाइए और अब देखिए इसमें सोर्स में गए हम। चलो यहाँ पे ट्राई कर, और यहाँ पे ट्राई करने के बाद व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग एक्चुअली, जे ऑप्शन पिन सपोर्ट नहीं कर रहा। I don't know why. The option pin dot show message dialog. Message में triple S हो गया। वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं हम। बात यह है यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। Why G option pin? Option 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 pin. जे ऑप्शन पेन यही है और जे स्मॉल से होता है, बट जे को हम अगर कैपिटल कर ले तब भी कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, बट इस टाइम ये रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, बट नो प्रॉब्लम। थोड़ी देर बाद हम बीच बीच में ट्राई करते रहेंगे, होगा ये। ठीक है, होगा डेफिनेटली। डिस्कार्ड और हम वापस आ जाते हैं, एक बार और करके देख लेते हैं। J option pin dot show, नहीं ये जो आ गया वो दूसरा J option pin आ गया, कहीं पर इसने private object create कर दिया, ये नहीं चाहिए भाई। Anyways कोई बात नहीं। ठीक है, खैर suggestion, how it is possible? आ गया। ठीक है, ये था एक्चुअली, बट हमने इसको कैपिटल भी तो टाइप किया था, आपको याद होगा हमने इसको कैपिटल भी तो टाइप किया था, जे कैपिटल भी टाइप किया था। आ गया खैर, जो ऑप्शन पिन डॉट शो, ये देखो शो मैसेज डायलॉग। ठीक है,
ठीक है, अब देखो शो मैसेज डायलॉग और यहां लिखो दिस, जिसका यूज किया अभी बताते हैं, और यहां पर लिखा तुमने सिंपल आई एन टी ई आर एस टी फाइट विद द प्रॉब्लम प्लस एस आई। अब देखो इससे क्या, ये डायलॉग बॉक्स बनाकर देगा, ठीक है, और उसमें आपका रिजल्ट आएगा। कैसे कैसे, हाउ, मैं बताता हूं। राइट क्लिक एंड रन, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। इस पे आ गया क्या, वेट 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 वेट, हमने तो इसके अंदर लिखा है ना, और ये हमारा जो है, पहले तो हम अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं और इसको रन करते हैं। कभी भी आप उलझिएगा नहीं, पूरा ये जंगल है, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ फॉरेस्ट। अगर आप जरा सा भी उलझ गए, देख रहे हम कौन कौन से प्रोग्राम में चले जा रहे हैं, ये आ गया हमारा प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं आपका गाइड बनकर चलता हूं इस फॉरेस्ट में, लेकिन आप कहीं भटकिएगा नहीं, ठीक है। अब देखो, एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज कॉल्ड अ डायलॉग बॉक्स। इसे आप ड्रैग करके थोड़ा साइड में भी ला सकते हैं, ठीक है। द सेम आउटपुट इज कमिंग इन दिस एंड सेम आउटपुट इज कमिंग। सर ये कहां पे यूज करते हैं, ये वहां पे यूज करते हैं जहां पर हमको स्पेस यूटिलाइजेशन करना। स्पेस यूटिलाइजेशन का मतलब है कि ये आया और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये चला जाएगा। Means suppose you are clicking, the record will be inserted and your message will be displayed, the record is inserted and immediately it will be removed. Fine? Just click on OK. और उसके बाद आप data को change करिए, जैसे ही आप click करेंगे new result will be displayed. Fine? Understand? Do you understand? Yes, sir. Okay, absolutely fine. Ready for the next? Just me, sir. Yes. सोचने लगे, गुड। अब देखो कुछ नहीं करना, इसको कट करो, कट एंड पेस्ट हियर, और यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो ऐसे, क्योंकि कोई डेटा तो डिस्प्ले करना नहीं है, ओनली यू हैव टू डिस्प्ले अ मैसेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे दी है मैं तुमको, जे ऑप्शन पेन, और जे ऑप्शन पेन में जे ओ पी कैपिटल में। अब हमने कहा यहां पर प्लीज एंटर न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर, देखो देखना कि इतना इंपॉर्टेंट रहेगा, हम पूरे यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इससे। स्विंग शुरू कहां हुई, माई फेवरेट डायलॉग, द स्विंग इज स्टिल नॉट स्टार्टेड। अब देखो इसको रन कर रहे हैं, सॉरी ये दूसरा रन हो जाएगा, इसको रन करने के लिए राइट क्लिक और रन। अब देखो आई हैव गिवन T67 एंड अब बाकी दे दो, क्योंकि एक न्यूमेरिक को दे ही दिया। अब देखो वेन यू विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन, सी प्लीज इंटर द न्यूमेरिक वैल्यू फॉर द एसआई कैलकुलेशन। Are you getting my point? Are you getting my point? When you will click on OK, this message will be removed. अब वहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। इसको कहते हैं double warning display messages. ठीक है? ये हम तब करते हैं जब कोई बहुत ही important warning हमें display करनी है, ताकि अगर यहां पर से click OK हो भी जाए by mistake users, तो वो इस warning को देखे, और ये warning कभी remove नहीं होगी। It's a hard code warning. Understand? Understand? Yes, sir. Do you understand? Yes, sir. Okay. Now, आप क्या करने जा रहे हैं सर? अब हमें करना ये है, ध्यान देना, I want to increase my button panels. तो हम इसको यहां नहीं लेते हैं, यहां लेते हैं. Just short कर लेते हैं. ध्यान देना, बहुत ध्यान, थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं दादा, बस ठीक है, ध्यान देना सर, एक ही बटन था, एक नहीं है, अब और आएंगे, ठीक है। अब इसी के जैसे चाहिए हैं तो कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद पेस्ट, कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है, अलग से ले। कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शन सर्कुलेट, फंक्शन भी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो रुक जाओ, यहां पर एक और बटन कहां है, बटन,
पेस्ट करो, एक और पेस्ट करो। सर तीन बटन क्यों बताते? ये देखो सर, डुप्लीकेट से भी तो हो सकता है ना? हाँ डुप्लीकेट से भी हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि अंदर फंक्शन भी है ना। हाँ शुरू में कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, बट अभी अंदर क्या है कि फंक्शन भी चल रहा है। ओके थोड़ा बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, छोटे बड़े बटन नहीं बनने चाहिए। ठीक है अब देखो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है अब सुनो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो। अब देखो इसको चूज करो, इसको चूज करो, इसको चूज करो और राइट क्लिक करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट क्लिक करो, इनक्लोज्ड इन, इनक्लोज्ड इन पैनल। स्क्रीनशॉट को लो, सारे तीनों बटन्स को एक पैनल के अंदर इनक्लोज करने। कॉपी करो मतलब स्क्रीनशॉट लो पैनल के अंदर। अब ये सारे बटन पैनल के अंदर आ, अब इस पैनल के अंदर आ गए, दिस इज कॉल्ड अ पैनल। थोड़ी देर लगेगी, हम 2 बजे तक चलेंगे, 2 बजे तक। क्लास अभी चल रही है। राइट क्लिक, ये ठीक है। इन द बैकग्राउंड द कलर वी कैन चेंज। अब उसके बाद में ये, और उसके बाद में ये, ठीक है। अब इस पर एडिट टेक्स्ट, क्लियर ऑल। इस पर हमने बता दिया उनको, पूछिए उनसे क्या बताया, जो अभी उनको बताया तो हमने। अभी मेरी क्लास चल रही है, अभी मेरी क्लास चल रही है, कल चल रही थी, कल हमने छोड़ दी। ओके टू बटन। अब देखो इस पर क्लियर ऑल किया हमने। हम चाहते हैं जब इस बटन पे क्लिक करें तो सारे कंट्रोल्स क्लियर हो जाए। तो t1.setText, t2.setText क्लियर एंड t3.setText क्लियर एंड t result.setText क्लियर। सब क्लियर हो गए? ओके अब ये सब क्लियर हो गया। और क्लियर होने के बाद में हम चाहते हैं कि कर्सर हमारा टेक्स्ट वन के अंदर प्लेस हो जाए। अभी देखो दिखाते, एक मिनट को, रन दिस फाइल, सी ये हमारा साइड आ रहा है। ठीक है अब यहां पर हमने दिया 600 700 6। नाउ कैलकुलेट, आउटपुट इज देयर। अब जैसे ही हम क्लियर करेंगे देन एवरीथिंग विल बी क्लियर, यानी कि वी आर रेडी फॉर टेकिंग द न्यू वैल्यूज। एब्सोल्युटली फाइन, अंडरस्टैंड। और क्लोज से क्या होगा, ये फ्रेम हमारा क्लोज हो जाएगा। मतलब इंस्टेंट ये जब आपकी प्रोजेक्ट जार फाइल बनेगी ना तो ये बार नहीं आएगी, ये बार तो अभी आ रही है। आपको सब कुछ प्रोग्रामेटिक करना, तो यहां पर डिजाइन में आए और क्लोज पे डबल क्लिक करा। और क्लोज पे डबल क्लिक करने के बाद में क्लोज पे डबल क्लिक करने के बाद में यहां पर, एक मिनट, जस्ट मोमेंट,
क्लोज पे डबल क्लिक करा देंगे और इसके अंदर दिस डॉट डिस्पोज, दिस डॉट डिस्पोज से जो आपका करंट फ्रेम है वो डिस्पोज हो जाता है। डिस्पोज का मतलब है रिमूव हो जाएगा। देखो कैलकुलेट एंड क्लोज, दिस डॉट डिस्पोज, अंडरस्टैंड दिस डॉट डिस्पोज, ये डिस्पोज हो गया। अब जैसे ही हमने डिस्पोज कर दिया, तो जब डिस्पोज हो गया तो अब डिस्पोज का मतलब होता है कि फॉर्म का क्लोज हो जाए। बट क्लियर में एक प्रॉब्लम आ रही है, सेवन थाउजेंड 67 कैलकुलेट। अब क्लियर तो कर रहे हैं बट क्लियर करने के बाद में कर्सर यहां नहीं आ रहा है, हमको कर्सर यहां मैन्युअली प्लेस करना पड़ेगा लाइक दैट। तो हम चाहते हैं कि कर्सर यहां पर ऑटोमेटिक आ जाए ताकि यूजर को सेकेंड एंट्री करने में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। कैसे मैं बताता हूं, सोर्स में गए ठीक है, और क्लियर करने के बाद इस जगह पर यहां पर हम लिखेंगे क्या, ध्यान से देखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के हाउ टू गेट द कर्सर हियर। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं इवन डॉट गेट फोकस, even dot get focus, even dot get focus। इसमें एक ऑप्शन चेंज हुआ है, पहले even dot get focus नहीं, request, yes request focus, कुछ options obsolete भी हो जाते हैं। इससे क्या होगा, cursor will be placed in the text box, cursor will be placed in the text box, in the first text box, calculate, ठीक है। अब जैसे ही हम क्लियर करेंगे, ऑल द टेक्स्ट बॉक्स विल बी क्लियर एंड द कर्सर विल बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स लाइक दैट, अंडरस्टैंड। तो ये कर्सर को यहां लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं T1 डॉट रिक्वेस्ट फोकस। रिक्वेस्ट फोकस एक फंक्शन है जो कि कर्सर को उस टेक्स्ट बॉक्स में प्लेस करा देता है जहां पर हमें चाहिए। ओके, मतलब नाउ this one, this text will be in focus, focus matlab is in use, okay, sir ye jar file mein kaise convert hoti hai, wo sab karayenge, wo sab last ka kaam hai, bilkul last, bilkul last work hai, bilkul last work hai, hum karwayenge sir, iske bhi code share kar de, ha iska bhi code share kar de। ये कोड कौन सा है, रिक्वेस्ट फोकस नए डायलॉग बॉक्स में जब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे तब, क्या चीज सर, वो रिक्वेस्ट फोकस सर नेक्स्ट कर्सर सर दूसरे डायलॉग बॉक्स सब जाएगा जब हम लोग एंटर प्रेस, हाँ एंटर करेंगे, टैप प्रेस कर ले, टैप प्रेस कर सकते हैं, टैप प्रेस करना हो ठीक है, टैप से हर एक कंट्रोल पर, हर एक बटन पर कर्सर मूव करता है।
ठीक है ओके। अब इसको क्लोज कर दो, अब तो क्लोज तुम्हारा इससे भी हो जाएगा, बहुत फास्ट स्पीड होती है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की, स्पीड बहुत फास्ट, दे एग्जीक्यूट ऑन अ वेरी फास्ट मैनर, बहुत ही फास्ट मैनर में एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है ध्यान दे रहे हो ठीक। अब उसके बाद में मैं इसको या तो अलग भेज दूं या फिर तुम्हारे ग्रुप में भेज देता हूं, ये देखो यहां पर भी एक टूल्स के अंदर पैलेट का ऑप्शन आ रहा है, जब तुम इस पे क्लिक करोगे तो यहां से भी तुम अपने पैलेट को सेट कर सकते, ठीक है पैलेट बन जाएगा ओके। ठीक कल आपको बनाना बताएंगे इसकी जार फाइल, जब तक के इतने पार्ट का प्रैक्टिस करिए, जितनी चीजें मैंने भेजी हैं उसको रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस कलेक्शन फ्रेमवर्क का भी सर नोट्स भेज दीजिए। सर मीटिंग को एंड कर दीजिए। Thank you.